Good morning, students of class 3. Students, I'm sure all of you are happy and healthy. Students, please take out your English notebook as today I'm going to explain letter writing. Students, please take out your English notebook as today I'll be explaining how to write a letter. Now, students, all of you know that we write letters to friends, family members, offices for different purposes. Now, है ना, letter को हम हिंदी में चिट्ठी बोलते हैं, पत्र बोलते हैं और हम पत्र लिखते हैं, है ना। हमें किसी को कुछ इन्फॉर्म करना होता है तो हम किसके थ्रू करते हैं, लेटर राइटिंग, है ना। एंड बेटा, जो लेटर राइटिंग है ये टू टाइप्स की होती है। वन इज फॉर्मल लेटर राइटिंग एंड द अदर इज इनफॉर्मल लेटर राइटिंग। अभी नाउ यू विल बी थिंकिंग कि फॉर्मल और इनफॉर्मल ये क्या होता है। नाउ इसका सबसे आसान तरीका बेटा समझने का ये है कि लुक, जब आप स्कूल जाते हैं, है ना, वेन एवर यू कम टू स्कूल यू आर सपोज टू बी इन योर प्रॉपर यूनिफॉर्म। यू शुड बी वेयरिंग प्रॉपर यूनिफॉर्म, है ना, यू शुड बी वेयरिंग सॉक्स एंड शूज, है ना। तो आपका कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं, बिकॉज स्कूल एक फॉर्मल जगह है, है ना। आपके जो डैडी हैं, फादर हैं, जब वो ऑफिस में जाते होंगे तो वो भी प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाते होंगे ना। घर के कपड़े पहन के तो वो ऑफिस में नहीं जाते, आप भी जो घर के कपड़े हैं पहन के वो स्कूल नहीं आते, बिकॉज स्कूल इज अ फॉर्मल प्लेस, ऑफिस इज अ फॉर्मल प्लेस और वहाँ हमें प्रॉपर जाना पड़ता है। तो सेम वे बेटा, लेटर राइटिंग भी उसी तरह से एक फॉर्मल है, इनफॉर्मल। और इनफॉर्मल क्या बेटा, इनफॉर्मल वो जगह जहाँ हमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं फॉलो करने पड़ते। फॉर एग्जाम्पल, आप घर पे हो तो घर पे यू कैन वेयर एनी ड्रेस, है ना, यू विश यू वेयर बाथरूम स्लीपर्स, है ना, कुछ भी घर पे पहनो, नोबडी चेक्स यू, है ना। बट अगर आप स्कूल में, यू कैन नॉट वेयर एनीथिंग एंड गो टू द स्कूल, यू नीड टू बी प्रॉपरली ड्रेस्ड अप। तो सेम वे, है ना, इफ यू गो टू अ फ्रेंड्स प्लेस, अ रिलेटिव्स प्लेस, तो आप कुछ भी पहन के जाते हो। बट अगर आप कोई ऐसे जगह जा रहे हो, कोई स्पेशली ऑफिस में जा रहे हो कहीं, तो यू नीड टू थिंक, यू नो, एम आई प्रॉपरली ड्रेस्ड, कैन आई गो लाइक दिस, है ना। तो बेटा वो प्लेसेस जहाँ हमें कुछ रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं वो फॉर्मल जगह, और जहाँ पे हमको कोई भी रूल्स रेगुलेशंस नहीं फॉलो करने पड़ते हैं वो इनफॉर्मल। तो बेटा लेटर राइटिंग भी टू टाइप्स का होता है, फॉर्मल लेटर राइटिंग एंड इनफॉर्मल लेटर राइटिंग। इनफॉर्मल लेटर हम अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं, फैमिली मेम्बर्स को लिखते हैं, वो इनफॉर्मल लेटर राइटिंग। वेयर एज फॉर्मल लेटर राइटिंग, जैसे आप हैं, है ना, आप को सपोज, आजकल ऑल ऑफ अस आर अवेयर कि बहुत सारा वेडिंग सीजन चल रहा है ना, सबके कहीं रिलेशन में शादी है, कहीं फैमिली फ्रेंड्स के यहाँ शादी है, किसी के यहाँ शादी है। एंड जस्ट इमेजिन कि अगर आपको स्कूल चलता होता, अगर आपको किसी की वेडिंग अटेंड करनी है और आपको अगर इन्फॉर्म करना है प्रिंसिपल मैम से, आपको छुट्टी लेनी है, यू वॉन्ट लीव, तो आप कैसे प्रिंसिपल मैम को इन्फॉर्म करोगे। यू मस्ट हैव सीन कि प्रिंसिपल मैम एंड द टीचर सेज कि गिव अ लेटर, गिव एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल स्टेटिंग दैट आपको कितने से कितने दिन की लीव चाहिए। सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद फॉर्मल लेटर राइटिंग। आज बेटा मैं आपको फॉर्मल लेटर राइटिंग सिखाऊंगा। हम कौन सा लेटर लिखेंगे बेटा, फॉर्मल लेटर। और जो एप्लीकेशन है, स्पेशली स्टूडेंट्स को एप्लीकेशन ही लिखना होता है। किसको लिखते हैं आप एप्लीकेशन, प्रिंसिपल को, स्पेशली व्हेन यू वांट टू टेक लीव, आपको कहीं बाहर जाना है एंड देन यू वांट लीव, तो आप प्रिंसिपल मैम को एप्लीकेशन लिखते हैं, देन गेट इट साइन बाय योर पेरेंट एंड सबमिट इट इन द प्रिंसिपल्स ऑफिस और द टीचर, देन शी फॉरवर्ड्स इट टू द प्रिंसिपल्स ऑफिस एंड देन द प्रिंसिपल शी ग्रांट्स यू द लीव। सो बेटा आज हम फॉर्मल लेटर लिखेंगे और ये फॉर्मल लेटर इज एप्लीकेशन। इसमें हम कौन सा लिखेंगे बेटा, वी आर गोइंग टू राइट एप्लीकेशन टुडे। अब बेटा एप्लीकेशन जो लिखते हैं इसका एक फॉर्मेट होता है,
है ना. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हमको वो फॉर्मेट लिखना है ना, फॉर्मेट ऑफ द एप्लीकेशन. हम सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा, फॉर्मेट ऑफ द एप्लीकेशन. जो हम एप्लीकेशन लिखेंगे उसका एक फॉर्मेट है, फाइन. और ये हम लिखेंगे फॉर्मेट एप्लीकेशन का, फाइन. अब बेटा जस्ट इमेजिन दिस टू बी योर मार्जिन लाइन. आप सबके नोटबुक में एक रेड कलर की मार्जिन लाइन है ना, एंड उसके लेफ्ट साइड में यू राइट द डेट है वो लिखते हैं. लेकिन अभी एप्लीकेशन के लिए आपको बहुत ध्यान से समझना है पहले फॉर्मेट. सबसे पहले अगर आप फॉर्मेट समझेंगे तभी आप अच्छे से लेटर बेटा लिख सकते हैं. आपको फॉर्मेट याद होना चाहिए. एंड लेटर लिखने से पहले आपको अपना एड्रेस भी पता होना चाहिए, एंड जिसको हम लेटर भेज रहे हैं उनका एड्रेस भी पता होना चाहिए. सो आई बिलीव ऑल ऑफ यू हैव गॉट आई कार्ड्स, एंड आई कार्ड्स में आपके एड्रेस है ना. एंड बिसाइड्स दैट यू ऑल शुड नो योर एड्रेस. सबको अपना एड्रेस पता होना चाहिए, स्पेशली द स्पेलिंग्स ऑफ द लोकेलिटी, एरिया, टाउन, वट एवर इट इज, फाइन. सो ऑल ऑफ यू शुड रिमेंबर योर एड्रेस. और बेटा इसमें आपको ध्यान रखना है कि मैंने जो ये लाइन ड्रॉ की है, यू हैव टू इमेजिन दिस एज योर मार्जिन लाइन. आपकी इंग्लिश की नोटबुक में एक रेड कलर की लाइन है, आप इसको इमेजिन करो कि ये आपकी मार्जिन लाइन है, ठीक है. अब सबसे पहला बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड इज कि जब भी हम लेटर लिखते हैं हम मार्जिन लाइन से बहुत हाफ सेंटीमीटर, बहुत जरा सी जगह छोड़ के लिखते हैं. एंड यू शुड इंश्योर कि आपका जो लेटर का कोई भी वर्ड इस मार्जिन लाइन को टच नहीं करना चाहिए, है ना. जो भी आप लेटर लिखोगे वो मार्जिन लाइन से थोड़ी स्पेस लेके ही लिखोगे, फाइन. तो सबसे पहले जो भी आपकी हेडिंग होती है, हेडिंग के बाद आप एक लाइन छोड़ेंगे, एंड आफ्टर दैट जो हम सबसे पहली चीज लिखेंगे दैट इज, सबको याद रखना है सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस. सेंडर्स एड्रेस सबसे जो फर्स्ट पॉइंट है बेटा वो सेंडर्स एड्रेस. अब सेंडर क्या होता है, तो व्हाट डू यू मीन बाय सेंडर. सेंडर मींस द पर्सन हु इज राइटिंग द एप्लीकेशन. जो भी लेटर लिख रहा है वो सेंडर है, जो लेटर सेंड कर रहा है वो सेंडर है. तो सेंडर्स एड्रेस, यहाँ पे लेटर कौन लिख रहा है, आप लिख रहे हो, है ना. तो सब लोग इसको, इस फॉर्मेट को पहले अपनी नोटबुक में लिखना स्टार्ट कीजिए, ठीक है. सेंडर कौन है, वो जो लेटर लिख रहा है. आप यहाँ पे लेटर एप्लीकेशन लिख रहे हो तो यहाँ पे सेंडर्स एड्रेस मीन्स आपका एड्रेस आपको लिखना है. तो सब लोग पहले इस फॉर्मेट को लिखेंगे, है ना. इस फॉर्मेट को आप लिखेंगे, जो भी आपने हेडिंग डालनी है उसके बाद आप एक लाइन लीव करोगे. एक लाइन लीव करने के बाद आप क्या लिखोगे, सेंडर्स एड्रेस. और सेंडर्स एड्रेस मीन्स जो लेटर को सेंड कर रहा है. आप यहाँ पे लिख रहे हो तो आपका एड्रेस आएगा, लेकिन ये फॉर्मेट में सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस. अब बेटा जहां भी मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ आपको लाइन नहीं ड्रॉ करनी, ये इंडिकेट कर रहा है कि आपको वहां पे एक लाइन छोड़नी है. जहां हमने लाइन ड्रॉ की है आपको ड्रॉ नहीं करनी. आपको याद रखना है कि जहां हमने लाइन ड्रॉ की है दैट मींस आपको एक लाइन वहां पे छोड़नी है, फाइन. जहां मैंने लाइन ड्रॉ की, अगेन आई एम रिपीटिंग, वहां पे दैट आपके लिए वो इंडिकेट कर रहा है कि आपको एक लाइन छोड़नी है. देन सबसे पहले आपने सेंडर्स एड्रेस लिखा, देन यू विल राइट The date. उसके बाद आप क्या लिखोगे, डेट. जिस दिन आप एप्लीकेशन लिखोगे उस दिन की डेट. सो यू विल राइट द डेट, देन अगेन यू विल लीव वन लाइन. उसके बाद फिर आप एक लाइन छोड़ोगे. उसके बाद आप क्या छोड़ोगे बेटा, एक लाइन छोड़ोगे, फाइन. डेट लिखने के बाद जहां भी मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूं आपको लाइन नहीं ड्रॉ करना. That's an indication कि वहां पे आपको एक लाइन छोड़ना है ना.
अब डेट लिखने के बाद आपने क्या किया, एक लाइन छोड़ दी, उसके बाद आप लिखोगे रिसीवर्स एड्रेस। अब रिसीवर कौन है? जो आपके एप्लीकेशन को रिसीव करेगा, जिसको आप लेटर लिख रहे हो वो क्या है बेटा? रिसीवर है। तो आप क्या लिखोगे? रिसीवर्स एड्रेस, है ना। सबसे पहले हमको क्या लिखना होता है, ये हमको लर्न करना है, सेंडर्स एड्रेस, है ना। सेंडर्स एड्रेस के बाद हमको क्या लिखना पड़ता है? डेट, है ना। और मैम ने जहां जहां लाइन ड्रॉ की है वहां पे आपको एक लाइन छोड़नी है। अब डेट लिखने के बाद आप जो है रिसीवर्स एड्रेस के बाद आप जो है ओके आप सब्जेक्ट लिखोगे। क्या लिखोगे बेटा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कि आप किस लिए लेटर लिख रहे हो। जैसे हमको, हम एप्लीकेशन क्यों लिख रहे हैं? हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं, हमको छुट्टी चाहिए, हमको छुट्टी चाहिए, इसलिए हम लेटर लिख रहे हैं। तो हमारा सब्जेक्ट क्या होगा? लीव एप्लीकेशन। बेटा हमारा सब्जेक्ट क्या होगा? लीव एप्लीकेशन। हमारा सब्जेक्ट क्या होगा? लीव एप्लीकेशन, याद रहेगा सबको। अब बेटा सब्जेक्ट लिखने के बाद फिर हमको एक लाइन ड्रॉ करनी है। फिर एक लाइन ड्रॉ करने के बाद, जस्ट एक लाइन ड्रॉ करने के बाद हमको सैल्यूटेशन लिखना है। हमको सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन मतलब अब हम प्रिंसिपल मैम को लेटर लिख रहे हैं, है ना। तो प्रिंसिपल मैम हमसे बहुत बड़ी है, तो उनको हम कैसे एड्रेस करते हैं? रिस्पेक्टेड मैम, जो भी हमसे बड़े हैं हम उनके मैडम के आगे क्या लगाते हैं? रिस्पेक्टेड। अगर प्रिंसिपल कोई सर होते तो हम क्या लगते हैं? रिस्पेक्टेड सर। तो सैल्यूटेशन मतलब हम उनको कैसे उनको ग्रीट कर रहे हैं। फाइन। नाउ अब सैल्यूटेशन के बाद आपको कोई लाइन नहीं छोड़नी है, ये ध्यान रखो। ये मैं आपको इसलिए समझा रही हूं कि आपको इसी हिसाब से अभी हम लेटर लिखेंगे। सैल्यूटेशन के बाद आ जाएगा हमारा बॉडी ऑफ द लेटर, बॉडी ऑफ द लेटर। इसमें पूरा डिटेल कि हम कब से कब तक स्कूल नहीं आएंगे, है ना। हमारा रीजन क्या है कि हम वाई डू, हमको छुट्टी क्यों लेना है, रीजन है, हमें कहाँ जाना है, क्यों जाना है, वो सारी डिटेल्स, डेट्स मेंशन करनी है कि कब से कब तक हमको नहीं आना है, वो सारी डिटेल्स जो है इसमें आएंगी। क्लियर? बॉडी ऑफ द लेटर में वो आएंगी। और बेटा बॉडी ऑफ द लेटर के बाद फिर आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज आएगा। बॉडी ऑफ द लेटर के बाद क्या आएगा? कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। क्या आएगा बेटा? कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज क्या होता है? हम लिखते हैं ना लेटर लिखने के बाद में कि योर्स, योर्स ओबीडियंटली, कि जो भी आप हमको और मतलब कहेंगी हम आपके कहना मानेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में हम क्या लिखेंगे? योर्स ओबीडियंटली। हम क्या लिखेंगे बेटा? योर्स ओबीडियंटली। और उसके बाद हमको अपना नेम और क्लास सेक्शन मेंशन करना है लास्ट में। फाइन। सो अगेन मैं आपको एक बार और फॉर्मेट समझा दे रही हूँ लेटर राइटिंग का। लेटर राइटिंग के फॉर्मेट में बेटा कितने पॉइंट्स हैं? फर्स्ट सेंडर्स एड्रेस, फिर हमको एक लाइन छोड़नी है, देन वी नीड टू राइट द डेट, फिर हमको एक लाइन छोड़नी है, फिर वी नीड टू राइट द रिसीवर्स एड्रेस, फिर हमको एक लाइन छोड़नी है, फिर हमको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट लिखने के बाद हमको एक लाइन छोड़नी है। सब्जेक्ट के बाद हमको अब कोई लाइन नहीं छोड़नी है, ये आपको याद रखना है कि हम सब्जेक्ट के बाद कोई भी लाइन नहीं हम छोड़ेंगे। लाइन हमको कहाँ तक छोड़नी है? सब्जेक्ट के बाद से।
सैल्यूटेशन के ऊपर तक लाइन है, सैल्यूटेशन के बाद कोई लाइन नहीं। लास्ट लाइन जो आपको छोड़नी है दैट इज इन बिटवीन सब्जेक्ट एंड सैल्यूटेशन, जहां आप रिस्पेक्टेड मैम लिखोगे उसके बाद से फिर कोई भी लाइन नहीं छोड़नी है। ये आपको बेटा अच्छे से समझना है। अगर आपने सैल्यूटेशन के बाद लाइन छोड़ दी तो आपका फिर जो है मार्क्स कट जाएगा, क्योंकि आपका एप्लीकेशन का फॉर्मेट गलत हो जाएगा। फाइन, सो अभी आई होप सारे बच्चों को ये पॉइंट्स याद रहेंगे। फर्स्ट में क्या लिखना है, सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस मींस द वन हु इज राइटिंग द लेटर, और यहाँ पे लेटर कौन लिख रहे हो, आप लिख रहे हो। तो फर्स्ट पॉइंट सेंडर्स एड्रेस। फिर मैम ने जहाँ लाइन ड्रॉ की आपको लाइन नहीं ड्रॉ करनी है, वो आपके लिए इंडिकेशन है कि आपको वहां पे लाइन छोड़नी है। देन द नेक्स्ट इज डेट, और डेट भी ऐसे नहीं बेटा कि डी ए टी डेट लिख दिया, डेट लिखने का भी एक फॉर्मेट है। पहले हम मतलब जो डेट है वो लिखेंगे, फिर मंथ लिखेंगे, फिर ईयर लिखेंगे, वो मैं भी आपको समझाऊंगी जब लेटर लिखवाऊंगी। उसके बाद फिर रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस क्या होता है बेटा, जो जिसको आप एप्लीकेशन लिख रहे हो। तो हम ये एप्लीकेशन अभी प्रिंसिपल मैम को लिख रहे हैं, तो प्रिंसिपल मैम का जो स्कूल का एड्रेस है वो है ना, जैसे टू दी प्रिंसिपल आर्मी पब्लिक स्कूल 39 GTC वाराणसी, ये रिसीवर्स एड्रेस होगा। फाइन, फिर सब्जेक्ट, फिर एक लाइन छोड़ेंगे जहां मैंने लाइन ड्रॉ की है, आपको वहां पे लाइन ड्रॉ नहीं करना है, आपको वहां पे लाइन छोड़ना है। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में हम क्या लिखेंगे, लीव एप्लीकेशन। फाइन, और उसके बाद आएगा फिर एक लाइन छोड़ेंगे, सब्जेक्ट के बाद जो हम लाइन छोड़ेंगे वो हमारी लास्ट लाइन है, उसके बाद हमको कहीं लाइन नहीं छोड़नी है, ये आपको याद रखना है। सब्जेक्ट के बाद फिर नेक्स्ट जो आएगा, जो लास्ट लाइन छोड़ी उसके बाद आपका आएगा सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन मीन्स कि हम कैसे किसी को एड्रेस करते हैं। प्रिंसिपल मैम को हम लिख रहे हैं तो हम हमेशा उनको क्या लिखेंगे, रिस्पेक्टेड मैम। देन फिर आपका आएगा बॉडी ऑफ द लेटर। उसके बाद उसमें हम पूरा डिटेल सीखेंगे कि हमको कब से कब डेट तक वी वॉन्ट लीव, है ना, हम वॉट इज द रीजन कि हमको छुट्टी चाहिए, है ना, उसमें सारी डिटेल्स, है ना। आज लास्ट में कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज मतलब हम लास्ट में जब खत्म करते हैं तो लिखते हैं कि योर्स ओबीडियंटली, कि आप जो भी डिसीजन दोगे हम उसको मानेंगे, है ना। तो योर्स ओबीडियंटली कि आपका कहना मानने वाला। देन यू राइट योर नेम, क्लास एंड सेक्शन। तो बेटा इस फॉर्मेट में कितने पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपको ये 9 पॉइंट्स याद रखने हैं। फर्स्ट में सेंडर्स एड्रेस, देन लीव वन लाइन, देन डेट, देन लीव वन लाइन, देन रिसीवर्स एड्रेस, देन लीव वन लाइन, देन सब्जेक्ट, देन लीव वन लाइन, देन सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन के बाद कोई लाइन नहीं छोड़नी है, देन द बॉडी ऑफ द लेटर, देन द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, नेम एंड क्लास सेक्शन। सो यू नीड टू रिमेम्बर दीज 9 पॉइंट्स। सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव रिटन दिस फॉर्मेट ऑफ द एप्लीकेशन इन योर इंग्लिश नोटबुक। सारे बेटा इसको अपने फॉर्मेट को इंग्लिश नोटबुक में लिख लो, और क्योंकि अब मैं इसको इरेज करके आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द लेटर राइटिंग। फाइन, ना सबने लिख लिया, ओके फाइन। Now, first of all, you need to write the question. अब सबसे पहले question लिखिए। यह आपकी red रंग की margin line है। Fine. Write an application to the principal principal का P हमेशा capital रहेगा। Write an application to the principal requesting her to grant requesting her to grant you
आउटस्टेशन लीव। अब बेटा आउटस्टेशन का मतलब क्या होता है, अपनी सिटी से बाहर जाओ। आप कहीं बाहर जा रहे हो, आपके घर में अगर वेडिंग है तो आप किसी दूसरे प्लेस पे जा रहे हो, तो वो दूसरी प्लेस का मतलब आप अपनी जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, तो आउटस्टेशन लीव कि बाहर जाने की छुट्टी आपको चाहिए। फाइन। अब बेटा ऑल ऑफ यू प्लीज राइट दी हेडिंग। हेडिंग डालने के बाद मैंने एक लाइन ड्रॉ की, आपके लिए क्या इंडिकेशन है, दैट यू नीड टू लीव वन लाइन। जहां भी लाइन खींच रही हूं वहां उसका मतलब है आपको एक लाइन छोड़नी है। ठीक है, एक लाइन छोड़ने के बाद आपका फर्स्ट पॉइंट क्या था, सेंडर्स एड्रेस। यहाँ पे आपको एक के नीचे एक आपके वर्ड्स आने चाहिए। जरा भी ऐसा नहीं कि आपने एक लेटर इधर लिखा दूसरा इधर लिखा, ऐसे ऐसे नहीं आना चाहिए आपका, एकदम वन बिलो द अदर। सबको इतना नीच लिखना है कि एकदम एक के नीचे एक आपका वर्ड्स आए, है ना। तो आपको अब अपना एड्रेस लिखना है ना। आई डोंट नो, मैं ऐसे ही कोई एड्रेस लिख रही हूं, आप ये एड्रेस नहीं लिखेंगे, आप अपना एड्रेस लिखेंगे, है ना। श्रीनगर 1 वरिया 1 वाराणसी। मैंने ऐसे ही कोई रैंडम एड्रेस लिख दिया है, बट आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो लेटर है एकदम एक के नीचे एक आए। इट इज नॉट बैड कि एक आगे हो गया एक पीछे हो गया, है ना। मैंने ऐसे ही कोई एड्रेस लिख दिया है, आप अपना एड्रेस लिखेंगे, आप ये एड्रेस नहीं लिखेंगे, इसकी जगह आप अपना एड्रेस लिखेंगे और एंश्योर करेंगे कि आपके जो लेटर्स है वो एक के नीचे एक आए। उसके बाद आपको एक लाइन लीव करनी है। मैं जहां भी लाइन ड्रॉ कर रही हूँ आपको लाइन नहीं ड्रॉ करनी, आपके लिए वो इंडिकेशन है कि आपको वहां पे लाइन छोड़नी है। ठीक है ना। उसके बाद हमें क्या लिखना था, डेट लिखनी थी। तो डेट का भी फॉर्मेट है, आज क्या डेट है, 01 December 2020। मैंने डेट लिख दी, डेट डी ए टी डेट नहीं लिखनी है, पूरी डेट जो उस दिन की डेट है वो लिखनी है। तो 01 December पहले डेट, फिर मंथ, फिर ईयर, और इन दोनों के बीच में क्या लगाना है, कौन। फाइन। उसके बाद फिर मैंने एक लाइन ड्रॉ की, और आपके लिए क्या इसका इंडिकेशन है कि जहां मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ दैट मीन्स आपको वहां पे एक लाइन छोड़नी है। फिर हमें क्या लिखना है, रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस मीन्स जिसको हम लेटर लिख रहे हैं। तो हम किसको लेटर लिख रहे हैं, हम किसको लेटर लिख रहे हैं, टू सर द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का पी हमेशा कैपिटल रहेगा, ये सबको याद रखना है, जिसका प्रिंसिपल का पी स्मॉल हुआ लेटर गलत हो जाएगा। टू द प्रिंसिपल आर्मी का ए कैपिटल, पब्लिक का पी कैपिटल, स्कूल का एस कैपिटल, देन 39 GTC, वाराणसी। ये हमने क्या लिखा बेटा, रिसीवर्स एड्रेस लिख दिया, है ना। द प्रिंसिपल आर्मी पब्लिक स्कूल 39 GTC वाराणसी, सबने लिखा। उसके बाद फिर मैंने एक लाइन क्या कर दी बेटा, मैंने फिर एक लाइन ड्रॉ की। आपके लिए इंडिकेशन है कि आपको क्या करना है, आपके लिए इंडिकेशन है कि आपको एक लाइन लीव करना है, आपको लाइन ड्रॉ नहीं करनी है। उसके बाद फिर हम लिखेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है हमारा, सब्जेक्ट हमारा है लीव एप्लीकेशन। हम प्रिंसिपल मैम को क्यों लिख रहे हैं, ये क्या है, लीव एप्लीकेशन, छुट्टी के लिए हम
एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो हमारा सब्जेक्ट क्या आएगा, लीव एप्लीकेशन। उसके बाद फिर मैंने एक लाइन ड्रॉ की और ये लास्ट लाइन जो आपको छोड़ना है, जहां मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ वो आपके लिए इंडिकेशन है कि आपको क्या करना है बेटा, आपको लाइन छोड़ना है। ठीक है, सबको दिख रहा है? अब इसके बाद कहीं भी हमको लाइन नहीं छोड़ना है। सारे लोग इसको लिख लीजिए फास्ट, क्योंकि अब मैं इरेज करने जा रही हूं और फिर अब बाकी की एप्लीकेशन लिखूंगी। बिकॉज अगर मैं अभी यहां लाइन खट के लिख लूंगी तो आप लोग भी नोटबुक में यही लाइन खींच के लिख लोगे। फाइन, तो सबसे पहले आपको अपना एड्रेस एक लाइन छोड़नी है हेडिंग के बाद। यू नीड टू राइट दी सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस मीन्स आपको अपना एड्रेस लिखना है। देन लीव वन लाइन, राइट दी डेट, डेट का भी एक फॉर्मेट है। फिर एक लाइन छोड़नी, फिर रिसीवर्स एड्रेस मतलब प्रिंसिपल मैम का एड्रेस। देन अगेन लीव वन लाइन, फिर सब्जेक्ट कि हम क्यों लिख रहे हैं। ठीक, और उसके बाद ये लास्ट लाइन है, इसके बाद कोई भी लाइन नहीं छोड़नी है। तो आई होप इतना सबने लिख लिया है, बिकॉज अब मैं इसको इरेज करके इसके आगे का लिख रही हूँ। ठीक है, इसके आगे का जहां भी खत्म होगा, अगर आपका यही पे पेज खत्म हो रहा है तो उसके बाद आप न्यू पेज पे जाएंगे, कोई भी लाइन खींच के कि इधर बहुत जगह बाकी है ऐसे पेज पे लिखेंगे, कोई भी ऐसा नहीं करेगा। जहां खत्म होते जाता है उसके बाद आप न्यू पेज पे आते जाएंगे। दिस इज लेटर राइटिंग। नोबडी विल राइट ऑन द सेम पेज कि लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दो एंड राइट ऑन द अदर साइड ऑफ द पेज। नो, व्हेनेवर यू फिनिश प्लीज एंश्योर दैट यू स्टार्ट फ्रॉम अ न्यू पेज। ठीक है, अब इसके बाद ये आपने लास्ट लाइन छोड़ी है, इसके बाद हम लिखेंगे, इसके बाद फिर कोई ये लास्ट लाइन छोड़नी है, इसके बाद कहीं भी लाइन नहीं छोड़नी है। इसके बाद हम लिखेंगे रिस्पेक्टेड मैडम, प्रिंसिपल मैम को लिख रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, रिस्पेक्टेड मैडम। रिस्पेक्टेड मैडम ये हमारा सैल्यूटेशन है। दिस इज to bring under, और इसके बाद कोई लाइन नहीं छोड़ना है रिस्पेक्टेड मैडम के बाद, bring under your kind consideration। जैसे मैं लिख रही हूं एकदम वैसे ही आपको लिखना है, कंसीडरेशन दैट। फाइन, जल्दी लिखिए, दिस इज टू ब्रिंग अंडर योर काइंड कंसीडरेशन दैट। सबने इतना लिख लिया, अब इसके आगे मैं इरेज करके लिखने जा रही हूँ। फाइन, इसी के आपका जहां खत्म होगा आप न्यू पेज स्टार्ट करेंगे। फाइन, दिस इसके रिस्पेक्टेड मैडम के बाद कोई लाइन नहीं छोड़ेगा। अब न्यू पेज से that I have, मैंने डैश करना है, यहां आप नेम लिखेंगे। I आपको अपना क्या लिखना है, नेम लिखना है। स्टूडेंट ऑफ क्लास थर्ड ए बी सी, जो भी आपका सेक्शन है ए, will be unable to attend the school from, so आज अगर first है तो let's say 2nd December, from 0 to
December 20, 2020, as I will be going to Kanpur to attend my cousin's wedding. This is to bring under your kind consideration that I, जहाँ पे dash लिखा है वहाँ पे आपको अपना name लिखना है. A student of class 3, अगर आप A में पढ़ते हो, A, B में पढ़ते हो, B, C, whatever your section is, will be unable to attend the school from 2nd December 2020 to 5 December 2020 as I'll be going to Kanpur to attend my cousin's wedding. Kindly grant me leave and oblige. Then अब new lines से आ जाना, जहां oblige खत्म हुआ उसके बाद फिर new lines से, but line नहीं छोड़नी है. Thanking you हम हमेशा new lines से लिखेंगे. Yours प्रिंसिपल मैम को जब भी लिखेंगे तो हम ओबीडियंटली लिखेंगे, और ओबीडियंटली की स्पेलिंग सब लोग सही लिखेंगे. ओ बी ई डी आई ई एन टी एल वाई योर्स ओबीडियंटली. आप अपना नेम, जो भी आपका नेम है वो लिखेंगे, और क्लास 3A यहाँ पे आप अपना नेम लिखेंगे कैपिटल लेटर्स में. फाइन, प्लीज राइट योर नेम. यहां भी नेम लिखना है और यहां भी आपको अपना नेम लिखना है. फाइन, सो आई होप अभी सबको लेटर राइटिंग, आउटस्टेशन लीव का लेटर राइटिंग, सबको लेटर लिखना आ गया होगा. अब कभी भी आपको कहीं वेडिंग में आउटस्टेशन लीव चाहिए तो यू कैन राइट दिस लेटर. बस यू नीड टू चेंज द डेट्स, बस आपको डेट्स चेंज करनी होगी, है ना. सपोज अगर फाइनल एग्जाम में आता है तो वो आपके एग्जाम मार्च में होते हैं, तब आपको दिसंबर की जगह वो मार्च की डेट्स डालनी होगी. ये आपको याद रखना है कि जब लेटर आप लिखोगे तो आपकी जो लेटर की जो डेट, फॉर्मेट की जो डेट है वो डेट और बॉडी की डेट, ये दोनों चेंज हो जाएंगे. आई होप द फॉर्मेट of formal letter writing leave application for outstation leave is clear to you. That's all for today. Please learn the format and write this letter in your English notebook. Thank you, students. Have a good day ahead.